हम बात कर रहे हैं ITC की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में हमको 1% तक के अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। जब मार्केट में बड़ी गिरावट आई थी तो हमने देखा कि स्टॉक ने 404 के लेवल से बाउंस बैक किया, यानी इससे पहले जब 480 के लेवल से स्टॉक ने गिरावट दिखाई थी तो 400 के लेवल पर सपोर्ट लिया था। उस सपोर्ट को स्टॉक ने ब्रेक डाउन नहीं किया, उसके ऊपर से ही सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हुआ और लगातार तेज़ी हमको देखने के लिए मिली है। लगातार हमको हायर हाई पैटर्न के साथ स्टॉक ने इसमें रिकवरी दिखाई है। स्टॉक ने हमको 440 तक के टारगेट दिखाए बाउंस बैक के बाद, यानी जहाँ से इससे पहले स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था उसी के आसपास स्टॉक हमको फ़िलहाल नज़र आ रहा है। यहाँ से ITC में अभी हमको और बड़े टारगेट आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकते हैं। चार्ट पैटर्न भी हमको हायर हाई दिखा रहा है, गिरावट के बाद जंप आ रहा है और अपने रिसेंट हाई को ब्रेकआउट दे रहा है। गिरावट आती है तो नीचे की ओर ये जो लेवल है जहाँ रिजेक्शन फेस किया था 435 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। ब्रेकडाउन कर जाता है तो 430 और तगड़े सपोर्ट का रोल प्ले करेगा 420 का लेवल। अब बात करें टारगेट की तो मैं इमीडिएट टारगेट रहेगा 444 का लेवल, जहां से इससे पहले स्टॉक ने लिया था रिजेक्शन 444 का लेवल। हम देख सकते हैं दो दफ़ा स्टॉक ऑलरेडी दो तीन दफ़ा इस लेवल से रिजेक्शन ले चुका है, यानी स्टॉक ऑलरेडी 444 के लेवल को टेस्ट कर चुका है। तो अब बनेंगे इसके ब्रेकआउट के चांस 444 के लेवल के। हमको 444 के लेवल पे ही नज़र रखना है, अपना पहला टारगेट है। इसको ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट टारगेट 450 और 450 के ब्रेकआउट के बाद 460 से लेके 480 तक के टारगेट आप हमको ITC दिखा सकता है। ITC में हमको अब लगातार तेज़ी आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकती है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।